चार बज्जर कुरैतों में से एक कुरैत है पराई स्त्री या पराए पुरुष का संग करना। इस बात को बड़े ध्यान से सुनना साथ संगत जी। बज्जर कुरैत किसे कहते हैं? बज्जर कुरैत का भाव एक बहुत सिंपल सा समझ लीजिए। अगर आदमी वो कुरैत करता है तो गुरु कहता है तू मेरा है ही नहीं, बात खत्म हो गई। ना वो सिख गुरु का, ना गुरु सिख का। चाहे कितनी भी अरदासें करे, कितनी भी तकलीफ हो, गुरु उसका नहीं है। चाहे रोए, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन लिखे हुए हैं। बज्जर कुरैत मतलब गुरु से नाता तोड़ लेना। जो आदमी पराई स्त्री का संग करता है या जो स्त्री पराई मर्द का संग करती है वो सबसे बड़ी बज्जर कुरैत है। आज के टाइम में ये बताना इतना जरूरी है क्योंकि लोग भटके पड़े हैं। एक बात हमेशा याद रख लेना, सत्संग करते हुए सत्संगी तो उत्तम होने चाहिए। उत्तम हमारी दृष्टि प्राय स्त्री के ऊपर पड़ने ही नहीं चाहिए। महापुरुष समझाया करते थे, अगर प्राय स्त्री सामने आकर बात करती है आंखें नीचे करके बात करो, आंखों में आंखें भी मत डालो। घर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ये रास्ता है, अगर पाना है तो ये रास्ता है, अगर गंवाना है तो जो मर्जी करते जाओ। फिर 84 लाख जोनी तैयार खड़ी है, भुगतो बैठकर। पर अगर पाना है, सुबह उठ के आते हो, नींद खराब करते हो, उसके बावजूद भी अगर ये पाप होता है तो हम से बड़ा अभागा कोई भी नहीं। क्योंकि बाहर किए हुए पाप यहां पे आकर बख्श लेंगे, जो यहां पर आकर करेंगे वो कहीं नहीं बख्शे जा सकते। साथ संगत जी इस बात से डरो, नहीं बख्शे जाएंगे। बज्जर कुरैत कहा है, और जो यहां पर कम से कम सत्संग में ऐसा कर लो, कम से कम। ये कलयुग है, जोर है कलयुग का। किसी दरबार में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, अवॉइड करो। बातें भी करनी अवॉइड करो। शुरुआत बातों से होती है, बात आगे बढ़ती है। सिमरन करते हुए आओ, सिमरन करते हुए जाओ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हुक्म में आओ, जीवन संभालो। जिन्होंने जीवन संभाला है उन्होंने पाया है। गुरु नानक मेहर करे। एक बात बार बार याद कर लिया करो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हम जैसे मूर्खों के ऊपर अपना सर्वंश वार दिया, हमने क्या वारा? हम अपनी नींद भी नहीं